वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 6 चैप्टर 9 एरेज के लिए, और आज का हमारा टॉपिक है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है, और साथ ही उसका एक प्रोग्राम भी हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लॉजिक देखते हैं, उसके लिए एक सैम्पल एरे हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एरे यहाँ पे बनानी है, और बबल सॉर्ट एल्गोरिथम आपकी काफ़ी इजी एल्गोरिथम है एज़ कम्पेयर टू सिलेक्शन एंड इंसर्शन सॉर्ट, जो कि हमने पिछले वीडियोस में कवर किए थे। तो यहाँ पे एक एरे हमने ले ली जिसका नाम है ए, एंड इसके इंडेक्स नंबर हम ले लेते हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, एंड एलिमेंट्स 5, 4, 1, 2 एंड 3। तो सिंपली यहाँ पे एरे हमारे पास है, तो इसको हम सॉर्ट कैसे करेंगे इसको हम अभी देखते हैं। इससे पहले कि आपका हम इसको सॉर्ट करें, इस एल्गोरिथम का नाम बबल सॉर्ट क्यों है उससे हम इसका लॉजिक भी थोड़ा सा समझेंगे। तो आप अगर आप देखें, अगर आप कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक लें, तो सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल होती है, अगर आप इसे शेक करें तो सिंपली क्या होता है, उस बोतल के अंदर अलग अलग प्लेसेस से जो आपके बबल्स हैं वो आपके टॉप की तरफ जाते हैं या एक एंड की तरफ जाते हैं। तो आपके टॉप की तरफ जाएंगे, कैप की तरफ जाएंगे बोतल की, तो आपको वहां पे शिफ्टिंग हो रही है, बबल्स आपके एक तरफ को जा रहे हैं, टॉप की तरफ जा रहे हैं। यहां पे भी हम लॉजिक क्या यूज करते हैं, अगर आप एरे को सॉर्ट कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप जिस भी ऑर्डर में चाहें, तो अगर आप मान लीजिए इसको सॉर्ट करने वाले हम असेंडिंग ऑर्डर में, तो सिंपली हम यहां पर क्या करेंगे, हमारा जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हम बबल करते हुए हमारा एंड पॉइंट पे या लास्ट इंडेक्स नंबर पे आपका शिफ्ट करेंगे। देन हम दोबारे जो हमारा एरे है उसमें हम दोबारे हमारा जो सेकंड यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको शिफ्ट करते हुए सेकंड लास्ट पोजीशन पे लेके जाएंगे, और ये प्रोसेस पूरी की पूरी रिपीट होती है। अब इसको करेंगे कैसे, इसको हम करते हैं पेयर्स के फॉर्म में, दो दो एडजेसेंट एलिमेंट को या दो दो पेयर को हम आपस में यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, और उससे पहले इस एरे को हम यहाँ पे लिख लेंगे ताकि लास्ट में हम इसको कंपेयर कर सकें कि किस तरीके से हमारा जो फाइनल वर्क है वो होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको कंपेयर करना है 0 एंड 1 इंडेक्स नंबर वाले एलिमेंट्स को। तो एक पेयर हमारा है 0 एंड 1, देन हम करेंगे 1 एंड 2, देन 2 एंड 3 एंड 3 एंड 4। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर में हमने कंपेरिजन किया और देखा कि आपका ये अप्रोप्रिएट पोजिशन पे नहीं है, 5 आपका यहाँ, अगर हम खाली इन दोनों को देखें और इन दोनों में हम सॉर्टिंग करने को देखें, तो यहाँ पे ये आपका एक सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। तो इन दोनों में हमने सिंपली क्या करनी है, स्वैपिंग करनी है। तो इसमें आप स्वैपिंग कर दीजिए आपका 4 एंड 5, तो फर्स्ट पेयर में तो काम हो गया। देन सेकंड पेयर 1 एंड 2, इंडेक्स नंबर 1 एंड इंडेक्स नंबर 2, क्या इनमें ये दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में है, नहीं है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5, स्वैपिंग हमने सिंपल करनी है। इसको भी हम प्रोग्राम में देखेंगे कैसे इसका लॉजिक हम क्रिएट करते हैं। देन थर्ड पेयर 2 एंड 3, तो अभी भी सॉर्टिंग की जरूरत है, तो 5 एंड 2। देन अगेन हमने नेक्स्ट पेयर में यहाँ पे देखना है 3 एंड 4, तो अगेन हमको सॉर्टिंग की जरूरत है, 5 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए पास 1 के अंदर हमने इसके पेयर अलग अलग पेयर्स को कंपेयर किया, और जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमारे लास्ट में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे ये आपकी क्या है, सॉर्टेड एरे है, बची हुई अनसॉर्टेड पार्ट है। तो ये आपका काम हो गया पास 1 के अंदर। देन सेकेंड पास में हमने क्या करना है, ये हमारी एरे हो गई, सेम वही काम हमने रिपीट करना है, तो 4, 1, 2, 3 एंड 5, ये है सॉर्टेड ऑर्डर, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमने सेम वही काम रिपीट करना है, तो इंडेक्स नंबर 0 एंड 1 को आपस में कंपेयर कीजिए, क्या ये दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में है, नहीं है, तो इसको सॉर्टेड ऑर्डर में ले आते हैं। देन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में क्या आपका ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, अभी भी नहीं है, तो इसको भी सॉर्टेड ऑर्डर में ले आइए। 4 एंड 2 एंड 3, क्या ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, ये भी नहीं है, तो 3 एंड 4। तो अभी तो हमारी जो एरे है वो इतने में ही सॉर्ट हो गई है, लेकिन कंप्यूटर तो अपने स्टेप पूरे करेगा, कंप्यूटर को तो नहीं पता कि यहाँ पे सॉर्टेड हुई है कि नहीं हुई है, ये तो हमारे एग्जांपल से अभी हो गई। तो ये तो अभी क्या हुआ, पास 2। देन हम अगर देखें पास 3 में, तो यहाँ पे एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड ये दोनों हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में है, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो अगेन हम दोबारे सेम काम रिपीट करेंगे, इन दोनों इंडेक्स नंबर को आपस में कंपेयर करना है, सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है। देन 1 एंड 2 को आपस में कंपेयर करना है, अभी भी सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है। तो इस वाले पास में भी ये 3 एलिमेंट हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए, ये था पास 3। तो ये थे आपके 3 पास।
फोर्थ पास के अंदर, क्योंकि अभी भी हमको एक पेयर अभी भी बचा हुआ है, अभी तो नॉर्मल सॉर्टेड ऑर्डर में है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा यार। अगर आप बड़ा एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी इसको डायरेक्टली यूज़र डिफाइंड ना बनाएं, आप एक कॉन्स्टेंट एरे लें ताकि आप देख सकें लॉजिक को कि क्या इसका लॉजिक चल रहा है। बाद में उसको कन्वर्ट करना आसान है, आपने वहाँ पर सिंपली वेरिएबल्स यूज़ करने हैं कॉन्स्टेंट्स की जगह, लेकिन पहले आपको इसमें स्टैटिक ही लेना चाहिए, फिक्स ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर टू पेयर्स जो हैं उनमें को आपस में कंपेयर हमने किया तो सॉर्टिंग की जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्टली हमने लिख दिया, तो वन एंड टू फाइनली आपके सबके सब सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए। तो ये था आपका पास फोर। तो इसमें काम कैसे हुआ वो तो हमने देख लिया, अब इसको हम प्रोग्राम के अंदर कैसे करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपके टू लूप्स यूज होंगे, एक तो आपका नंबर ऑफ पासिस के लिए, तो नंबर ऑफ पासिस कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि अगर आप इसको यूजर डिफाइंड भी बनाते हैं तो भी आप लॉजिक कैसे देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5, लेकिन नंबर ऑफ पासिस कितने गए 5-1, यानी कि 4 पासिस। तो अगर मैं एक लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ आई नाम से, तो इसका लॉजिक भी हम देख लेते हैं साथ में। तो आई को हम कैसे चलाएंगे, कितने बार हमने एग्जीक्यूट करना है, 4 टाइम नंबर ऑफ पासिस इस एग्जाम्पल के लिए। लेकिन अगर आप यूजर डिफाइंड बना रहे हैं तो साइज -1 तक आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये तो नंबर ऑफ पासिस के लिए हो गया, हमने इसको 3 टाइम्स रन किया। एंड आपका यहाँ पे दूसरा लूप जो चलेगा वो चलेगा कंपैरिजन के लिए, टू पेयर्स बना के उनमें कंपेयर करने के लिए। सबसे पहले हमने किस किस को कंपेयर किया, हमने यहाँ पे कंपेयर किया 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि एक पेयर, दो पेयर एंड 3 पेयर एंड लास्ट में 3 एंड 4, 4 पेयर। तो फर्स्ट टाइम आपका कितने बार कंपेयर हुआ, 4 टाइम्स आपका कंपेयर हुआ। तो यहाँ पे हमारा 0, 1, 2 एंड 3, 4 टाइम्स हमने एग्जीक्यूट करना है। देन हमारा यहाँ पे कितने पेयर कंपेयर हुए, 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर, लास्ट वाला तो सॉर्टेड था, तो 0, 1, 2, 3 टाइम्स हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। देन हमारा दो पेयर आपस में कंपेयर हुए, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3, तो ओनली 2 पेयर यहाँ पे, तो ये पेयर के लिए है नॉर्मली। लास्ट में एक ही पेयर हमारा कंपेयर हुआ तो एक ही बार हमने एग्जीक्यूट करना है। तो इस लॉजिक को सिंपली अपने प्रोग्राम में हम लेके चलते हैं, और साथ ही एक वेरिएबल जिससे कि हम स्वैपिंग यहाँ पे करेंगे। तो नॉर्मली इसका प्रोग्राम हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से लॉजिक प्रोग्रामिंग के अंदर क्लियर हो जाए। तो wireframe.h एंड देन आपका हमने इंक्लूड कर लिया conio.h, दोनों हेडर फाइल्स, देन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर हमने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। तो सबसे पहले एरे तो हम यही ले लेते हैं, इंट ए नाम की एरे, 5 एलिमेंट्स इसमें हैं। एलिमेंट्स क्या हैं जी, 5, 4, देन 1, देन 2 एंड 3। एक वेरिएबल सिंपली आपका स्वैपिंग के लिए, एंड जो लूप है वो तो हम डायरेक्टली इसी के अंदर ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आउटर लूप फॉर इंट आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ पासिस के लिए कितना चलना है, 0 से 3 तक, यानी कि आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 4 तक ही चलना है, यानी कि 3 तक चलेगा। देन आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो इनर लूप जिससे कि हमारा कंपैरिजन होगा। तो इंट जे नाम से हमने लूप यहाँ पे क्रिएट किया, जे इक्वल्स टू 0 से जे इज लेस देन, हमको देखिए सबसे पहले कहाँ तक इसको चलाना है, हमको इसको चलाना है 3 तक, नेक्स्ट टाइम 2, देन 1, देन 0। अब आप कहेंगे भाई यहाँ पे कंपेयर तो 4 भी आ रहा है इंडेक्स नंबर, तो वो इसलिए हमने यहाँ पे 3 तक इसलिए लिखा है, एक तो यहाँ पे पेयर कितने बन रहे हैं, 4 पेयर है, और यहाँ पे 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इंडेक्स नंबर एंड इंडेक्स नंबर प्लस 1, तो लास्ट में जब प्लस 1 होगा तो 3 के बाद ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसको अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले ये लॉजिक हमारा कैसे आएगा, ये हमारा आएगा 4 माइनस आई। 4 माइनस आई मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ जब भी आपका लूप एग्जीक्यूट होगा 0 से स्टार्ट हो रहा है, जा कहाँ तक रहा है 3 तक, तो 3 सबसे पहले कैसे आएगा, 4 माइनस आई यानी कि 4 माइनस 0 कितना आ गया 3, तो 3 तक आपका ये लूप चलेगा। नेक्स्ट टाइम हमने यहाँ कहाँ तक चलाना है 2 तक, तो आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया 4 माइनस 1, 3, तो लेस देन 3 तक ये चलेगा, लेस देन 3 मतलब कितना 2 तक, सेम इस तरीके से आगे आपका रिपीट होगा। तो इस तरीके का हमने पैटर्न भी पहले बनाया हुआ है, तो वही पैटर्न की तरह हम इसको देख सकते हैं। देन जे इक्वल्स टू जे प्लस 1, एंड सिंपली हमने यहाँ पे कंपेयर करना है, इफ
अगर आपका ए जे जो है अगर वो ग्रेटर होता है, देखिए इन दोनों में हमने जब कंपेयर किया था फर्स्ट में, तो इन दोनों पेयर में हमने किया था कि आपका ये वाला जीरो इंडेक्स नंबर वन इंडेक्स नंबर से बड़ा तो नहीं है, यही तो कंपेयर हुआ था, तो वही हमने कर दिया, ए जे बड़ा तो नहीं है ए जे प्लस वन से। तो अगर ये बड़ा होता है तो सिंपली हमने क्या किया था, स्वैपिंग कर दी थी। तो इसके अंदर स्वैपिंग के लिए जो स्टेटमेंट्स हैं, टेम्प के अंदर हमने ए जे को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो नॉर्मल स्वैपिंग आप चाहें तो टू वेरिएबल्स की मदद से भी कर सकते हैं, और ए जे में हमने ए जे प्लस वन को यहाँ पे असाइन किया, एंड ए जे प्लस वन में हमने टेम्प में जो था उसको हमने डाल दिया। तो नॉर्मल, अब इसको इस लॉजिक को हम भी और देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका फर्स्ट पास में देखिए क्या हुआ, आई की वैल्यू तो जीरो है, तो जे आपका स्टार्ट कैसे होगा, जीरो से कहाँ तक इसने चलना है, इसने चलना है फोर माइनस आई तक, फोर माइनस आई मतलब फोर माइनस जीरो यानी कि फोर और लेस देन फोर। तो लेस देन फोर कहने का मतलब क्या है, जीरो वन टू एंड थ्री। तो यहाँ पे पेयर हम कौन कौन से बनाएंगे, सबसे पहले जे एंड जे प्लस वन यानी कि जीरो एंड वन, देन जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ तो अब कौन सा पेयर बनेगा, जे की वैल्यू हो गई वन एंड प्लस वन टू, तो वन एंड टू आपस में कंपेयर होंगे, देन आपका इंक्रीमेंट हुआ तो टू एंड थ्री, देन आपका थ्री एंड फोर, तो ये फोर पेयर हो गए, इन्हीं फोर पेयर्स को हमने कंपेयर करना है। नेक्स्ट पास में आपका रिपीट, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी वन, तो फोर माइनस वन हो जाएगा थ्री, एंड लेस देन थ्री मतलब टू तक, तो जीरो वन एंड टू, यानी कि पेयर कौन कौन से कंपेयर होने हैं, जीरो एंड वन, वन एंड टू, एंड सिंपली आपका टू एंड थ्री, तो तीन पेयर जो हमारे कंपेयर हुए थे तो वही हमारे कंपेयर होंगे इस लॉजिक से। तो सिंपली हमको देखना, अगर ग्रेटर है तो सिंपली स्वैप हो जाए, नेक्स्ट टाइम फिर वन एंड टू के अंदर, वन एंड टू के अंदर, अगर आपका ग्रेटर है तो दोबारा स्वैप हो जाए, करते करते आपका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आपका हर एक स्टेप में जो आपका एलिमेंट है वो इस तरीके से जा रहा है, यहाँ इन दोनों में कंपेयर होगा, फिर यहाँ इस तरीके से आपका लास्ट एंड पे शिफ्ट हो जा रहा है, एंड हम लूप इस तरीके से चला रहे हैं, एक एक शॉट चला रहे हैं, तो आपका हर बार वो लास्ट इंडेक्स नंबर से एक कम में ही रुक जाएगा। तो ये तो सिंपल आपका लॉजिक हो गया आपका बबल शॉट का। देन अगर आप चाहें तो इस एरे को प्रिंट कराएं जो आपने यहाँ पे इसका लॉजिक लिखा है, तो सी आउट के अंदर फाइनल एरे इज, तो फाइनल एरे हमने यहाँ पे लिख दी, फाइनल एरे कैसे प्रिंट होगी, नॉर्मल, तो फॉर आई इक्वल्स टू जीरो से आई इज लेस देन फाइव, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, एंड सिंपली इसमें सी आउट के अंदर ए आई, ए आई के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए कैट सी एच, एंड सिंपली क्लोज। तो ये तो आपका था लॉजिक एंड प्रोग्राम आपके बबल सॉर्ट का। तो ये थी हमारी वीडियो नंबर 6 जिसमें हमने देखा बबल सॉर्ट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जो कि होगी वीडियो नंबर 7।